हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम आटा खसखस की बर्फी बनाएंगे। आटा खसखस की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच घी और 1.5 कप गेहूं का आटा डालकर भून लेंगे। ध्यान रहे इसे चलाते समय जो डेले बनेंगे उसे कलची से अच्छे से महीन बारीक कर लेंगे। जब यह हल्का सा सुनहरा हो जाए तब इसमें 2 से 3 चम्मच खसखस और 3 से 4 चम्मच घिसा हुआ सूखा नारियल डालकर इसे भी जला लेंगे। अब इसे अच्छा सुनहरा रंग आने तक चलाते रहेंगे। जब ये सुनहरा हो जाए तब गैस बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। खसखस के साथ आटा तैयार है। अब चाशनी की तैयारी करेंगे। इसके लिए कढ़ाई में करीब 1 कप चीनी डालेंगे। इसमें जितनी चीनी डाली है उतना ही पानी डालेंगे। चाशनी बनने तक इसे उबालते रहेंगे। जब तक चाशनी बन रही है तब तक एक प्लेट में घी से ग्रीसिंग कर लेंगे। देखिए चाशनी बनकर तैयार है। अब आटा खसखस के मिक्सचर को इसमें डाल लेंगे। ध्यान रहे डालते ही इसे जल्दी से चला लेंगे। जब इसमें इतना गाढ़ापन आ जाए तब गैस बंद कर देंगे और इसे ग्रीस की हुई प्लेट में निकाल लेंगे। अब हाथ में थोड़ा सा घी लेकर जल्दी जल्दी उंगलियों से मारते हुए एक साथ कर लेंगे। अब इसे 15 से 20 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ध्यान रहे ये ठंडा हुआ है या नहीं इसे चेक करने के लिए प्लेट के नीचे हाथ लगाकर देखेंगे। अगर ये गर्म है तो इसे थोड़ी देर और ठंडा होने के लिए रख देंगे। प्लेट के नीचे की सतह ठंडी हो चुकी है। अब इसकी बर्फी काट लेंगे।
अब इसे चारों तरफ से खसखस से कोट करके डेकोरेट कर लेंगे। आटा खसखस की बर्फी बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।